फिर वही सवाल उठा रहा है कि आखिर मासूमों के बोरवेल में गिरने का सिलसिला कब रुकेगा। रीवा में फिलहाल मासूम को बचाने की कोशिश जारी है। अब तक 60 फीट तक गहरी सुरंग बना दी गई है। सुरंग से बाहर पानी निकाला जा रहा है, बोरवेल तक पहुंचने के लिए यह सुरंग बनाई गई है, क्योंकि जब मयंक यहां गिरा था तब से लेकर अब तक लगातार सुरंग खोदने का काम जारी है और 60 फीट तक अभी सफलतापूर्वक खुदाई हो चुकी है और अब इस बोरवेल से मयंक को बाहर निकालने का लक्ष्य लेकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स काम कर रही हैं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से। आपको बताते चले कि कल से मयंक का रेस्क्यू करने के लिए काम लगातार जारी है और मयंक को बचाने के लिए सफलतापूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिए जाने का प्रयास यहां पर टीम्स की तरफ से किया जा रहा है और मयंक को बचाना है और ये कोशिश आगे होनी चाहिए। मयंक को बचाने के अलावा सबसे पहली जो कोशिश है वो मयंक को सकुशल सुरक्षित बाहर निकालने की है और उसके बाद इस तरह के बोरवेल्स खुले न छोड़े जाएं। न्यूज 18 लगातार इस सामाजिक सरोकार पर आवाज उठाता रहा है समय समय पर और इससे लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर गंभीरता नहीं दिखा रहे। ऐसे लोगों को अब संभल जाना चाहिए, अब चेत जाना चाहिए, जिससे कि और कोई मासूम बच्चा फिर दोबारा इस तरह के बोरवेल में न गिरे, क्योंकि कितनी परेशानी उनके परिवार वालों को होती है और खुद बच्चे की जान तक पर बनाती है कई बार। हम उम्मीद करते हैं कि मयंक को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए, वो सकुशल बाहर आए और अपने माँ बाप से मिले। और ऐसे में बार बार यही अपील आप लोगों से है कि इस तरह के बोरवेल्स को खुला न छोड़ें। न्यूज 18 लगातार समय समय पर इस तरह की मुहिम चलाता रहा है और अपने सामाजिक सरोकार को, अपनी जिम्मेदारी को निभाता रहा है और एक बार फिर से आपसे हम अपील करते हैं और इस पूरी घटना से जुड़ी हर जानकारी तो हम आप तक पहुंचाएंगे ही, सकुशल मयंक को बाहर लाने का प्रयास करेंगे ही, लेकिन साथ साथ अपील भी करेंगे कि इस तरह की घटनाओं को रोकने का हर किसी का जिम्मा है और उनका सबसे ज्यादा जिन्होंने अपने खेत में, अपने घर के आसपास कहीं बोरवेल खुदवाया और उसे यूं ही खुला छोड़ दिया गया है। फिलहाल अगर इस खबर की बात करें तो अब तक जो ताजा जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि सुरंग खोदने का काम 60 फीट तक पहुंच गया है और 60 फीट तक सुरंग खोद करके मयंक को बाहर निकालने के लिए कोशिश की जा रही है और इस बीच मयंक को सांस लेने में तकलीफ ना हो इसके लिए ऑक्सीजन नीचे अंदर उस गहराई में ऑक्सीजन पाइप के माध्यम से पहुंचाई जा रही है और साथ साथ ही मूवमेंट, चूंकि अभी तक मयंक में बहुत ज़्यादा वहां नज़र नहीं आई है और काफ़ी गहराई में वो है और इसलिए जो प्रयास का ये प्रयास जो है वो सफल बनाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है और इसके लिए खुदाई का काम 60 फीट की गहराई तक कर लिया गया है। वासु चौरे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हरीश द्विवेदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। हरीश, पहले आपके पास आते हैं, खुदाई का जो काम है वो 60 फीट की गहराई तक हो गया है, क्या कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी और क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं वहां पर अभी? लगता हरीश तक आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। फिलहाल वासु हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ मौजूद है। वासु, और कितने मासूम बच्चे इस तरह के बोरवेल का शिकार होंगे? न्यूज 18 बार बार इस बारे में लोगों को जागरूक करने का काम करता है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो चेत नहीं रहे, एक और मासूम बच्चा सुरंग के अंदर गिर गया। बिल्कुल आशीष, देखिए बहुत गंभीर परिस्थिति है और कभी कभी तो मुझे हैरानी होने लगती है कि इतने मामले सामने आ चुके हैं उसके बाद ना तो शासन प्रशासन किसी तरीके से कोई एक अभियान चलाता हुआ दिखाई देता है कि पूरे जिले में जितने बोरवेल, जितने गड्ढे खोले में पड़े हुए हैं हम उनको एक अभियान चलाकर बंद कर दें, जबकि शासन प्रशासन के पास तो ग्राम पंचायत तक, गाँव तक टीमें होती हैं, पंच सरपंच होते हैं, सरकारी तंत्र होता है, पूरा सिस्टम होता है, पटवारी होते हैं, राजस्व के अधिकारी होते हैं, वो तो पहुँच सकते हैं, खेतों खेत जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं, किसानों से बात कर सकते हैं, आम लोगों से बात कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि अगर कहीं कोई गड्ढा खुला हुआ दिख रहा है तो उसे बंद कर दीजिए। उसमें कोई बहुत बड़ी मशीनरी तो लगती नहीं है, बहुत बड़ा मैकेनिज्म तो लगता नहीं है, रॉकेट साइंस तो है नहीं, आप चाहे तो आसानी से उसे बंद कर सकते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी जो देख चुके हैं कि कई बार ऐसी खबरें आ गई हैं, मध्य प्रदेश के ही आप उदाहरण उठा लीजिए, बैतूल, विदिशा,
राजगढ़, सीहोर, कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरीके के हादसे हो चुके हैं और ज्यादातर हादसों में जो बच्चे हैं जो गड्ढों में गिरते हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। काले, अंधेरे, गहरे, खतरनाक, डरावने गड्ढों में जाकर बच्चे फंस जाते हैं और वहां पे बहुत विषम परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ता है और अंततः जो परिणाम आते हैं वो किसी भी रूप में सुखद नहीं होते हैं। और फिर तीन तीन चार चार दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं, उसमें एक बड़ा अमाउंट खर्च होता है, बड़ी एनर्जी लगती है, बड़ी मशीनरी लगती है, पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर फंसा रहता है। तो ये तमाम सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं भुगतनी पड़ती हैं, लेकिन सतर्कता नहीं रखी जाती, लापरवाही लगातार बढ़ती जाती है और उसी के नतीजे आए दिन इस तरीके के हादसे होते हैं। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है फिलहाल कि रीवा में मासूम मयंक जो है वो गड्ढे में फंसा हुआ है, उसे बचाने के लिए एक मुहिम जारी है, लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें प्रयास कर रही हैं, चमत्कार होते हैं, हम सब दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि एक और चमत्कार हो जाए, मयंक सकुशल हम सबके बीच निकल कर आए। दुआ का, इस प्रार्थना का असर संभव है कि वहां पहुंच रहा होगा और इस पर भी अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ मौजूद है। हरीश, पूरा देश दुआएं कर रहा है, न्यूज 18 की टीम दुआ कर रही है और लगातार अपनी जिम्मेदारी को भी निभा रही है, लोगों को भी जागरूक कर रही है। क्या वहां पर अभी ताजा अपडेट है, क्या हालात हैं, प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं, मौसम कितना साथ दे रहा है, क्या कुछ है अभी ताजा जानकारी? बिल्कुल, मौसम तो देखिए पूरी तरीके से साफ हो चुका है और खुला मौसम है। हालांकि जो की जा रही थी 40 फीट की सुरंग के अंदर ही खुदाई की गई है और जो बोर बेल है वो 60 फीट का है, तो समझा जा सकता है। जी आप बात पूरी करें हरीश। बिल्कुल, तो जिस तरीके से जो रेस्क्यू जो चल रहा था वहाँ जहाँ जो सुरंग बनाई गई थी, सुरंग के अंदर पानी आ गया है, उस पानी को बाहर निकालने की कवायद तेज कर दी गई है और जिसके लिए तमाम जो है तो मोटर पंप का सहारा लिया गया है, उस मोटर पंप के जरिए ही पानी को बाहर लाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो कलेक्टर की बात करूं, एसपी की बात करूं, सबके सब सुरंग के अंदर पहुंच चुके हैं और सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं कि आखिरकार कब जो है तो मयंक तक ये जो टीम के हाथ है वो पहुंचे और मयंक को सकुशल बाहर निकाले। हालांकि पानी उसके अंदर आ गया है, जिस लिहाज से थोड़ा सा अब जो स्थिति है और दयनीय होती दिखाई दे रही, क्योंकि पानी उसके 40 फीट तक की जो खुदाई हुई है सुरंग के अंदर, वहां पानी आ जाना और जहां बोर तक जहां पहुंचना है, जहां मैंक फंसा हुआ है, वहां से उसकी जो दूरी कहला जाती है वो तकरीबन 20 फीट कहला जाती है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पानी जो है वो कितना बड़ा मुसीबत बन चुका है, जो कि नीचे जिस तरीके से सुरंग बनाया गया था, सुरंग के अंदर पूरी तरीके से पानी भरना शुरू हो गया है और रिसना शुरू हो गया है। यही कारण है कि जो प्रशासनिक टीम है और जो रेस्क्यू टीम है उसे रेस्क्यू करने में थोड़ा सा जो है तो परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। फिर भी जो उम्मीद जताई जा रही थी सुबह कि सकुशल 2-3 घंटे के अंदर बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन अब यह जो समय है वो समय और अधिक लग सकता है। जी बिल्कुल हरीश, आपके पीछे मुझे लगता है वो वही जगह है जहां पर कि अभी फिलहाल कैंप लगा हुआ है रेस्क्यू टीम के लिए, वो तस्वीरें भी आप हमारे दर्शकों को दिखाते रहे, साथ ही ये भी बताइए कि इस वक्त वहां कौन कौन मौजूद है, मसलन प्रशासनिक अधिकारी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के अलावा और कौन कौन है, कोई राजनीतिक दल के लोग भी वहां पहुंचे हैं, परिवार के लोग कहां पर हैं इस वक्त और अभी कितना और समय लग सकता है इसके बारे में, और क्या मयंक से बात करने की कोशिश की गई, ऑक्सीजन के अलावा क्या और कुछ वहां पहुंचाने का प्रयास किया गया, क्या अंदर की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, क्या मयंक को वहां पर देख पा रहे हैं कैमरा के माध्यम से मॉनिटरिंग करने की, क्या कुछ है डिटेल्स? बस मैं पहुंचा हूं, यही सुरंग है, जिस सुरंग के अंदर जो तमाम जो टीम है वो टीम नीचे पहुंची हुई है और टीम नीचे पहुंचकर वहां जो है तो उसको निकालने की और देखने की कोशिश में जुटी हुई है और जो सुरंग है वही सुरंग जो ये सुरंग बनाई गई है वही सुरंग के अंदर ही सभी अधिकारी कर्मचारी भी हैं। हालांकि ठीक मेरे बगल में ये पाइप है, जो पाइप आई है इसमें से पानी निकाला जा रहा है, ये पाइप वही पाइप है जो सुरंग के अंदर से आई हुई है। जी अंदर अपनी कवायद तेज कर दी है फिलहाल, जो पानी आ गया है पानी की वजह से भी पानी निकलने में लग रहा है प्रशासन को। और जो इनके परिवारजनों की बात करूं तो मेरे ठीक पीछे एक टेंट दिखाई देता होगा, टेंट के ठीक पीछे उनके परिवारजनों को रखा गया है, रोका गया है। हालांकि मौके पर तो है यहाँ पर सभी यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है वो तो लगातार यहाँ रात भर से अभी भी वो मौजूद है, इनके साथ ही यहाँ की जो कांग्रेस प्रत्याशी है जो तो वो भी यहाँ पहुंची थी और परिवारजनों को काम की है। तो प्रशासन से लेकर जो आमजन है और लोग हैं और जो टीम है
सब के सब जो है तो एक अच्छा जनसहयोग करके और लगे हैं कि कितना जल्दी रेस्क्यू सफल कर सके। लेकिन इस लिहाज से लगातार जो रेस्क्यू यहाँ लगातार जारी है और मिट्टी खुदाई का काम जो है सुबह से बंद हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ वहां तक पहुंचना है, उसके लिए पाइप जो है तो एक पाइप के जरिए वहां पहुंचा जाएगा, वो प्लास्टिक की पाइप है और बड़ी मोटी पाइप है, तो आप समय तक पाइप को नीचे ले जाने में और तुरंत के अंदर से बोरवेल तक पहुंचने में प्रशासन को वक्त लग रहा है, जिसमें और कितना वक्त लग जाएगा यह भी कह पाना मुश्किल होगा। बिल्कुल, और अब मयंक को बचाना है तो प्रयास भी करने होंगे, सब प्रार्थना भी कर रहे हैं। फिलहाल हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वासु, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि इंदौर